नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जो एल्यूमिनियम का नया नया काम सीख रहा है या जो थोड़ा बहुत सीख चुका और ये एल्यूमिनियम के डोर का काम कर रहा है, तो उसके लिए ये जो मार्क है ड्रिल करने के लिए यहाँ पे मार्क करना थोड़ा मुश्किल है। समझ नहीं आता कि कैसे एक्यूरेट मार्क किया जाए, तो इसके मैं दो तरीके आपको बताने वाला हूँ। तो इस तरफ तो हमारा इस प्रकार से मार्क हो जाता है, तो यहाँ तो हमारा मार्क हो गया। ये देखिए यहाँ पे हम ड्रिल कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा समझने में दिक्कत आती है कि इस तरफ है जो मार्क कैसे किया जाए। तो एक तरीका तो ये है कि आप जो हमारी जो दोनों लेंथ है उसको इस प्रकार से रख लें। एक ये जो हमें कटिंग की है वो ऊपर किस तरफ साइड कर लें और इस प्रकार से मार्क कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है, और अब दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। इंच टेप की मदद से भी हम कर सकते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पे माप आ रहा है 8 इंच और 150, तो इधर हम इंच टेप रख लेंगे और इसको उसी माप पे रख कर और मार्क कर सकते हैं। तो भी हमारा जो मार्क जो ढीला एक सीध में हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। दोनों तरीके आसान हैं। तो आपको ये आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट ज़रूर किया करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर वो भाई जो खुद का काम करना चाहता है तो उसके लिए ये ज़रूरी है हमारा चैनल। तो इसको आप शेयर कर दें मेरे चैनल को, क्योंकि मेरे चैनल पे जो जानकारी आपको मिलेगी वो और कहीं आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि दूसरे लोग हैं जो एकदम प्रोफेशनल तरीके से बताते हैं, और जो बिगिनर्स यानी कि नए होते हैं उनके लिए प्रोफेशनल वाला काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके पास सभी टूल्स होते हैं, और जो मैं काम सिखाता हूँ वो कम टूल्स यानी कि बहुत कम सामान में आपको एल्युमिनियम डोर बनाना सिखाता हूँ, या एल्युमिनियम का जो काम है वो आपको सिखाता हूँ मेरे चैनल पे। तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। जय हिंद दोस्तों।